Hello, dear children. I hope you all are fine and staying healthy at your home. Welcome to the English class again. Students, today we are going to do lesson number 4 of your reader book that is a poem. And the name of the poem is Daffodils. Today we are going to read the poem that is Daffodils that is written by the poet William Wordsworth now, let me tell something about uh, william wordsworth. The, this poem, as you know, was written by william wordsworth uh, in 1802 when he came across a long belt of daffodils. william wordsworth is known to be a nature poet. he loved nature so um, uh, mostly of most of his creations are on nature only. earlier, the name of the poem was I wandered lonely as a cloud, but this uh, title was somehow very misleading because, according to this title, the poem could be uh, like it could express the loneliness of the poet. But the, po the poem is all about the beauty of the daffodils. So, what happened? So, many of the anthologists changed its uh, name to the daffodils. So, uh, because uh, this poem is Daffodils is about how beautiful the daffodils are and how daffodils creating an everlasting, uh, everlasting impression on poet's mind. Okay, understood. So, this was a uh, whole of the uh, things about Williams Wordsworth and about little about this poem. Now, before moving to the poem, uh, I want you to learn. Something new. We are going to learn something new, and that something new is the literary devices. Now, what are literary devices? Uh, if you remember, I have taught two literary devices to you in class 5 that was metaphor and simile. So, once again, we are going to recall what are literary devices. लिटरेरी डिवाइसिज इज़ अ टेक्नीक दैट इज़ यूज बाई अ राइटर टू प्रोड्यूस अ स्पेशल इफेक्ट इन द पोएम लिटरेरी डिवाइसिस क्या होते हैं लिटरेरी डिवाइसिस पोइट या फिर राइटर अपने राइटिंग uh, में यूज करता है सो दैट इट कैन गिव सम स्पेशल इफेक्ट्स सो दैट द पोएम और द राइटिंग कैन बी ब्यूटिफाइड अपनी पोएम को सुंदर बनाने के लिए अपनी राइटिंग को सुंदर बनाने, बनाने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स देने के लिए पॉइंट एक एक पॉइंट लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करता है हिंदी में हम लिटरेरी डिवाइसेस को अलंकार कहते हैं ओके सो नाउ वी आर मूविंग टू द वेरियस लिटरेरी डिवाइसेस दैट आर गिवन इन योर बुक सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू व्हाट इज़ अ राइम्स की तो पहला हमारा लिटरेरी डिवाइस है राइम्स की रामम्स की मफ अ पोयम टेल्सअस द पैटर्न फॉर्म डाय द लाइन्स ऑफ द रम जो पोयम में लाइंस क्या पैटर्न बना रही हैं उसको हम बोलते हैं राइम्स की फॉर एग्जांपल सी रीड दिस स्टेंजा आई शुड लाइक टू राइज एंड गो वेयर द गोल्डन एप्पल्स ग्रो वेयर बिलो द अनदर स्काई पैरेट आइलैंड एंकर्ड लाई एंड वॉश बाय कोकटूज एंड गोट्स लोनली क्रूजोज बिल्डिंग अ गोट नाउ टू सी वॉट इज रकीम ऑफ द पोएम हम रामम स्कीम का कैसे पता लगाएं कि हमारी पोइम में राइम स्कीम क्या है सो so, हमें रैम स्कीम का पता लगाने के लिए वी हैव टू सी द लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन हर लाइन का हमें लास्ट वर्ड देखना है एंड वी कंसीडर वी कंसीडर लास्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट लाइन एज ए तो गो को हम क्या कंसीडर करेंगे ए अब नेक्स्ट वर्ड में हमारा लास्ट लाइन नेक्स्ट लाइन में हमारा लास्ट वर्ड क्या है ग्रो क्या ये ग्रो गो के साथ राइम करता है दस द प्रनासिएशन ऑफ ग्रो मैच विद गो यस इट इज़ मैचिंग विद गो तो हम इसको भी क्या नेम uh, दे, दे देंगे ए ठीक है तो फर्स्ट टू लाइन्स की हमारी राइम स्कीम क्या है ए ए नाउ हम थर्ड लाइन पे चलते हैं थर्ड लाइन की हमारा लास्ट वर्ड इज स्काई तो स्काई इज नॉट मैचिंग विद गो और ग्रो तो हम इसको ए तो नहीं बोल सकते देन वी गिव द नेम बी हम इसको क्या नेम दे देंगे बी वी नाउ वी गो टू द फोर्थ लाइन फोर्थ लाइन हमारी है लाई हमारा लास्ट वर्ड क्या है लाई देन हमारा जो स्काई है जो लाई है वो हमारा राइमिंग वर्ड है स्काई के साथ इट इज़ मैचिंग विद स्काई तो स्काई को हमने नाम दिया है बी देन इट विल बी लाइक बी ओनली ठीक है नेक्स्ट इज आर लास्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड लास्ट लाइन इज़ गोट्स तो गोट्स हमारा गो के साथ भी नहीं रैम uh, कर रहा है और हमारा स्काई के साथ भी रैम नहीं कर रहा है तो, तो हम इसको ए भी नहीं नेम दे सकते बी भी नहीं नेम दे सकते तो वी विल गिव इट अ नेम सी ओके देन लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड है बोट्स वो किसके साथ राइम कर रहा है गोड्स के साथ तो दैट मीन्स इसकी राइम स्कीम भी क्या होगी सी तो वी हैव अ राइम स्कीम एंड सी सी ऑफ दिस सिक्स लाइन्स ठीक है हमारी इन सिक्स लाइन्स की राइम स्कीम क्या होगी ए ए बी बी एंड सी सी ना स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट पॉइटिक डिवाइस और आवर नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज परसोनिफिकेशन ना वॉट इज परसोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स वेन इन पर्सोनिफिकेशन जब हम किसी चीज़ को पर्सोनिफाई कर देते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग को अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या है एक ह्यूमन बींग है और उसमें ह्यूमन बींग जैसे ही करैक्टरिस्टिक्स हैं और वो ह्यूमन बींग जैसे ही एक्ट करता है हम किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी एनिमल्स को या फिर किसी वट्सो एवर थिंग इज देयर अगर हम उसको परसोनीफाई कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर यू से कि हम अगर हमने उसमें परसोनीफिकेशन का यूज़ कर लिया है अगर हमने उसको परसोनीफाई कर दिया है वी ट्रीट इट एज ह्यूमन बींग हम उसको ह्यूमन बींग के जैसे ट्रीट करते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल द लाइटनिंग रोड इन द स्काई द लाइटनिंग रोड इन द स्काई और द लाइटनिंग डांस इन द स्काई बिजली आसमान में नाच रही थी तो लाइटनिंग इज अ नॉन लिविंग थिंग हम लाइटनिंग तो नॉन लिविंग थिंग है सो हाउ कैन इट बी डांसिंग तो ये डांस नहीं कर सकती है ना तो वी हैव परसोनीफाइड लाइटनिंग अब मैंने अभी बोला था अगर हम किसी चीज़ को परसोनीफाई कर देते हैं देन वी ट्रीट इट एज अूमन बींग अगर वो ह्यूमन बींग है तो देन तो इट कैन बी इट कैन डांस ऑल्सो सो लाइटनिंग को हमने क्या कर दिया हमने क्या कर दिया लाइटनिंग को परसोनिफाई कर दिया सो लाइटनिंग द लाइटनिंग वॉज डांसिंग इन द स्काई ओके अंडरस्टूड वॉट इज अ परसोनिफिकेशन सो इन परसोनिफिकेशन वेन परसोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग और इन आइडिया और इन एनिमल इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स ह्यूमन एट्रीब्यूट्स मीन्स ह्यूमन कैरेक्टर्स एंड पोर्ट्रेड इन सच अ वे दैट वी फील इट हैज़ एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बींग सिंपल सी बात है अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग को अज्यूम कर लेते हैं दैट इट इज़ अ लिविंग थिंग इट इज़ अ परसोनिफिकेशन नाउ द नेक्स्ट ऑफ आवर नेक्स्ट ऑफ आवर लिटरेरी डिवाइसिज़ आर सिमिलियर एंड मेटाफर दैट वी हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास फाइव सो टू रिकॉल इट सिमिली और मेटाफर दोनों ही कंपेरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं सिमिली और मेटाफर किसके लिए यूज़ किए जाते हैं कंपेरिजन के लिए एक छोटा सा डिफरेंस है सिर्फ सिमिली और मेटाफर में क्या कि सिमिली में हम एज़ और लाइक का यूज़ करके हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं वेर एज मेटाफर में हम एज और लाइक का यूज़ नहीं करते हैं एक वी विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इट फॉर एग्जाम्पल शाम इज एज ब्रेव एज अ टाइगर शाम को हमने कंपेयर किया है टाइगर के साथ अंडरस्टूड किसका यूज़ करके एज का यूज़ करके शाम इज एज ब्रेव एज टाइगर शाम टाइगर के जितना ब्रेव हैज तो हमने टाइगर और शाम को कम्पेयर किया है किसका यूज़ करके एज का यूज करके नाउ इफल से शाम इज अ टाइगर तो सेंस तो दोनों की सेम आ रही है कि हम कंपेयर कर रहे हैं सेंस दोनों की सेम आ रही है ना कि हम कंपेयर कर रहे हैं शाम इज एज ब्रेव एज अ टाइगर और शाम इज अ टाइगर ठीक है वेर एज हमने फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या किया एज का यूज़ किया और सेकेंड में हमने अज्यूम कर लिया कि शाम ही क्या है टाइगर है वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल रमा इज ब्यूटिफुल लाइक अ फ्लार रमा फ्लार के जितनी सुंदर है तो हमने रमा को किससे कम्पेयर किया फ्लार के साथ और यूज़ किस का किया लाइक का लाइक वर्ड का यूज़ करके हमने क्या कम्पेयर किया रमा और फ्लार को बट सी दैट इन मेटाफर मेटाफर में हम क्या बोलेंगे रमा इज अ फ्लार रमा तो एक फूल है तो सेंस दोनों की सेम आ रही है दैट शी इज अ ब्यूटीफुल शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल लाइक अ फ्लार बट हमने फर्स्ट वाले सिमिले में हमने लाइक का यूज किया और मेटाफर में हमने अज्यूम कर लिया कि रमा इज अ फ्लावर। अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन मेटाफर एंड सिमिली सो दीज वर योर लिटरेरी डिवाइसेस दैट आर गोइंग टू बी यूज इन द पोय नाउ वी शेल गो स्ट्रेट अवे विद द पोएम एक्सप्लेनेशन आई वॉन्टेड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स तो यहाँ पे जो पॉइंट है ही इज से मै पॉइट इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ तो आई का यूज़ हो रहा है यहाँ पे दैट मीन्स पॉइट इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ पॉइंट कहता है कि मैं जैसे एक लोनली क्लाउड हिल्स पे और वैलीस पे घूमता है मैं भी एक लोनली क्लाउड की तरह घूम रहा था वैन एट वंस आई सो अ क्राउड होस्ट ऑफ़ गोल्डन डेफोडिल्स और मैंने क्या देखा एकदम से बहुत सारे डेफोडिल्स देखे डेफोडिल्स की पूरी की पूरी क्राउड देखी क्राउड मीन्स बहुत सारी भीड़ देखी बिसाइड द लेक बिनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज वो कहाँ पे थे लेक के पास ट्रीज़ के नीचे और डांस कर रहे थे फ्लटरिंग कर रहे थे डांसिंग कर रहे थे ब्रीज में ब्रीज मीन्स बहुत अच्छी हवा चल रही थी और वहाँ उसमें झूम रहे थे और डांस कर रहे थे नाउ वी विल सी द राइम स्कीम ऑफ इट क्लाउड हिल्स क्लाउड को हमने क्या कंसिडर किया ए क्या हिल्स की प्रोनान्िएशन क्लाउड्स की जैसी है नो no. तो हमारा हिल्स क्या हो जाएगा बी क्राउड क्राउड की प्रोनान्िएशन किसकी जैसी है क्लाउड की जैसी तो इसको हम क्या करें? बोलेंगे ए डेफोडिल्स की प्रोनान्िएशन किसकी जैसी है हिल्स की जैसी तो ये क्या हो जाएगा बी एंड नेक्स्ट यू सी ट्रीज़ ट्रीज़ की प्रोनन्सिएशन क्या क्लाउड uh, और डेफोडिल्स जैसी है नहीं तो ए ए और बी दोनों ही नहीं होंगे इसमें क्या होगा सी ब्रीज़ की प्रोनन्सिएशन ट्रीज़ की जैसी है येस yes. तो ये भी क्या होगा सी तो इसमें हमारी राइम स्कीम फर्स्ट स्टैंजा में क्या बनी ए बी ए बी सी सी ओके दिस इज़ द राइम स्कीम इन अवर फर्स्ट स्टैंजा अब देखें हम इसमें पॉइटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ किए हुए हैं फर्स्ट एंजा में व्हेन आई सो अ क्राउड ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स क्राउड मींस भीड़ होती है ठीक है आई वॉन्टेड लोनली एज अ क्लाउड सबसे पहले ये देखो लोनली एज अ क्लाउड तो पॉइट ने अपने आप को क्लाउड से कंपेयर किया गया है कंपेयर किया है यहाँ पे एज का यूज़ करके तो यहाँ पे किसका अगर एज का यूज़ होता है तो हम किस पॉइटिक डिवाइस का यूज़ करते हैं सिमिली का सिमिली का यूज हुआ नाउ विल सी द सेकेंड पैराग्राफ कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे दे स्ट्रेच इन अवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे सो so पॉइंट कह रहा है कि जहाँ जैसे स्टार्स मिल्की वे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द मिल्की वे नो मिल्की वे में जैसे स्टार्स अब बहुत ज़्यादा व्हेन वी सी द मिल्की वे उसमें हमें बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं नेवर एंडिंग स्टार्स जैसे मिल्की वे में स्टार्स हमें कॉन्टीन्यूसली दिखते रहते हैं तो हम मुझे डेफोडिल्स भी वैसे दिख रहे थे देवर शाइनिंग एज द स्टार्स इन द मिल्की वे वैसे ही वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे जैसे स्टार्स फैले होते हैं मिल्की वे में बहुत दूर, दूर दूर तक वैसे ही जहाँ तक मैं देख पा रहा था वहाँ तक मुझे डेफोडिल्स ही दिखाई दे रहे थे टेन थाउजेंड सो आए एट अ ग्लान्स कहते कि मैंने एक ग्लान्स मीन्स वॉट इज ग्लान्स झलक एक ही झलक में मैंने टेन थाउजेंड डेफोडिल्स देखे टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिंग स्प्राइटली डांस वो अपने हेड्स को क्या कर रहे थे टॉस कर रहे थे टॉस कर रहे थे एंड वो डांस करते स्प्राइटली मीन्स लाइवली लाइवली दे वर डांसिंग एंड टोसिंग देयर हेड हाउ कैन अ फ्लावर बी टॉसिंग देयर हेड फ्लावर के अपने हेड्स को टॉस कर सकते हैं हिला सकते हैं नो no. तो यहाँ पे कौन सा पॉइटिक डिवाइस यूज़ हुआ स्टूडेंट्स जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन की क्वालिटीज दे देते हैं तो क्या होता है परसोनिफिकेशन तो लास्ट लाइन में हमारा क्या यूज़ हो रहा है परसोनीफिकेशन एंड द

द वेव्स बिसाइड दैम डांसड बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन द ग्ली अब कहते हैं पॉइंट कहता है कि जो उनके पीछे उनके पीछे जो लेक था उसमें जो वेव्स थी वो भी डांस कर रही थी बट डेफोडिल्स इतने हैप्पी थे ग्ली मीन्स हैप्पीनेस तो डेफोडिल इतने हैप्पी थे कि आउट डिट मीन्स उनको पीछे छोड़ दिया आउट डिट मीन्स उनको पीछे छोड़ दिया अपने डांस से वो इतना अच्छा उनसे भी ज़्यादा अच्छा डांस कर रहे थे अ पोइट कुड नॉट बी अ पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉक कंपनी कहते हैं कि मेरे जैसा पोइट जो कि एक नेचर लवर है वो इस ऐसी कंपनी में बहुत खुश होता है गे मीन्स हैप्पीनेस जॉक एंड ऑल्सो हैप्पीनेस आई गेज एंड गेज बट लिटिल थाट वट वेल्थ द शो टू मी हैड बॉट कहते कि मैं उनको देखता ही रहा देखता ही रहा और मैंने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि ये मेरे लिए कौन सी वेल्थ वेल्थ मीन्स खजाना मेरे लिए कौन सा खजाना लेकर आने वाले हैं आफ्टर सम टाइम कौन सा खजाना लेकर आ रहे थे स्टूडेंट्स डेफोडिल पॉइंट के लिए यस कौन सा खजाना था द वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस द डेफोडिल्स ब्रॉट अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस टू द दॉइंट फॉर ऑफ फॉर ऑफ व्हेन ऑन माय काउच आई लाए इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन माय इनवर्ड आई विच इज़ अ ब्लेस ऑफ सॉलिटिड आपके यहाँ क्या कह रहे हैं पॉइंट क्या कह रहे हैं फॉर ओ एफ टीज ओफन कहते हैं ओफनली जब मैं अपने काउच में लेटता हूँ या फिर मैं अपने वेकेंट मीन्स फ्री इन फ्री टाइम या मैं अपने पेंसिव मूड में पेंसिव मीन्स थाटफुल मूड में होता हूँ तो क्या होता है कि जब मैं अपनी आईज बंद करता हूँ इनवर्ड आई मीन्स मेरी इमेजिनेशनस में डेफोडल्स फ्लैश करते हैं मेरी इमेजिनेशनस uh, में डेफोडल्स फ्लैश करते हैं विच इज़ अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड सॉलिट्यूड इज लोनलीनेस जो कि लोनलीनेस में एक बहुत बड़ी खुशी है एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डेफोडिल्स और उनको इमेजिनेशन में देखने के बाद मुझे वही सारा सीन दिखाई देता है कि डेफोडिल्स कैसे नाच रहे हैं और वही वही सीन मेरे दिल को खुशी से भर देता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूर पोएम डेफोट्स विच वॉज रिटन बाय द पोएट विलियम्स वर्ड्स विलियम वर्ड्स वर्थ नाओ एज आई हैव टोल्ड यू की फर्स्ट पैराग्राफ का तो मैंने आपको राइम्स स्कीम बता दिया है नाव वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू थिंक ऑफ द रम स्कीम राइम स्कीम देखिए सेकेंड थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ की ओके